नजर उठे, लेकिन लग रहा था कि नहीं खेलेंगे जो कि इस मैच में, लेकिन बिल्कुल अपने टीम के हिसाब से, टीम के हित से जो कि मैदान पर उतरे हैं। बहुत ही शानदार शॉट अमित के बल्ले से, और इस बार शॉट टेंपल का शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहला धक्का लगता हुआ जो कि साई गणेश क्रिकेट टीम को। चलिए प्लीज बैट्समैन जल्दी चलिए, और थोड़ा सा जो कि सर आपको वार्निंग देंगे कि टीम मीटिंग थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि ऐसे टीम मीटिंग करते जाओगे तो लगभग जो कि मैच शाम का मैच 5 ओवर का भी खेला जा सकता है, तो ये जानकारी थोड़ी समय की पाबंदी है, सहयोग करें। सफलता मिलती हुई सुशांत को और नए बल्लेबाज मैदान पर, अमित वापस एक छक्का लगाकर 6 पर अपने व्यक्तिगत टीम का स्कोर, टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और नए बल्लेबाज मैदान पर अभिषेक। अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल चकमा दिया, टिप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर जो कि बाहर की तरफ निकली, स्विंग एंड मिक्स, बहुत ही शानदार शुरुआत जो कि गेंदबाजी में, पहले पावर प्ले के ओवर में एक सफलता भी मिली, एक छक्का जरूर लगा जो कि ओवर पिच गेंद पर, लेकिन उसके बाद एक कीमती विकेट भी निकाला अमित का जो कि विकेट मिलता हुआ। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ स्कोर बोर्ड पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, साई गणेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकी हो की खुशी। थैंक यू डीजे, सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से नया गेंदबाज जो कि प्रदीप बॉलिंग मार्ग पर, अपना पहला पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर 7 ओवर का मैच, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक के लिए। ओ, इस बार फुल टॉस के विकेट कीपर के हाथों से जरूर छूटी थी, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर के खाते में साई गणेश क्रिकेट टीम को। टॉस जीता टिस्क स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया साई गणेश क्रिकेट टीम को। इस बार हल्के से दबाया वही पर, सामने अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। सुबह के नमी के बाद अब मात्र काफी तेज धूप मैदान पर, बिल्कुल चारों ओर जो कि पहाड़ दिखाई देते, उन्हीं के साथ जो कि हरे भरे जो कि पेड़ भी दिखाई देते, बहुत ही अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण क्रिकेट के लिए, और बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का। और इस बार बल्ले से कुछ आवाज तो जरूर सुनाई देती, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। मामलेदार ऑफिसा फुडें जितले 2 व्हीलर आसा आनी सायडीक जितले 4 व्हीलर आसा त्या पत्रांक विनंती करता की गाडयो मातश्यो काडच्यो, कारण फाल्यां 26 जानेवारीचो कार्यक्रमाक लागून माटो घालपाचें तेंचें काम आसा, गाडी येयल्ली आसा तेंची। ग्रावंडार जितले गाडयेचे मालक आसा जेंच्यांनी गाडयो हांगा मामलेदार ऑफिसा कडेन पार्क केल्या 4 व्हीलर आनी 2 व्हीलर, मातशें लक्षांत घ्या, तेंची स्टेजीची गाडी येयल्ली आसा, माटवाची गाडी येयल्ली आसा, 4 व्हीलर आनी 2 व्हीलर मातश्यो काडच्यो मालकांनी। ओवर टू यू अशोक नायक जी। थैंक यू अजय सर, नए बल्लेबाज मैदान पर सुमित। 2 विकेट शुरू में बहुत जल्द खोती हुई पावर प्ले में साई गणेश क्रिकेट टीम थोड़ी सी दिक्कत में, थोड़ी सी मुसीबत में मैदान पर दिखाई देते हुए, सामने से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रदीप सफलता हासिल करते हुए और नए बल्लेबाज। ओवर पेच गेंद, कड़ा प्रहार, बिल्कुल मिड विकेट पर बेमिसाल शॉट, सीमारेखा से गेंद बाहर 6 रन के लिए। जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गुरूर हूँ, तू फासला मिटा तू।
सुमित ने आते आते बिल्कुल अपने इरादे स्पष्ट किए मैदान पर, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस हम हमेशा कहते हैं, 14 पर बढ़ता हुआ स्कोर दो विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, इस बार एक जोरदार अपील, थोड़ी सी स्टंपों को मिस कर रही थी गेंद, बैकअप हो रहा था, ओवरथ्रो जरूर था, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, एक रन मिला 15 पर पहुंचा एक रन के साथ से स्कोर दो विकेट के नुकसान पे। साई गणेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर, स्कोरबोर्ड पर टोटल 15 रन, 15 लॉस ऑफ टू विकेट। थोड़ा सा फिर से परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग में, राइट आर्म राउंड विकेट दूर वाले चोर से प्रदीप बॉलिंग करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओवर पिच गेंद, इस बार एक आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, गेंद को खेला ऑन साइड पर मिड विकेट पर, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर, सुमित सात पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार, और फिर से बल्ले के बीचों बीच इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड विकेट पर फील्डर, सिंगल इसी के साथ स्कोर के खाते में, और पावर प्ले के जो कि खेल की समाप्ति होती हुई मैदान पर, दो ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले के दो ओवर समाप्ति के बाद 17 लॉस ऑफ टू विकेट। दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर दोन गडी बाद 17 अशी धावसंख्या, गोलंदाजीत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपला दुसरं संघाकडून तिसरा षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज सुशांत, आणि समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो एक षटकाराच्या मदतीने 8 वैयक्तिक धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय तो सुमित, आणि नॉन स्ट्रायकर यांना आनंद पाटील वैयक्तिक 2 धावावर या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले तिस्का स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघानं, पुढे सरसावतो एक सुंदर फटका, हाफ वॉलीचा चेंडू ऑन ड्राईव्हचा लॉंग ऑन बाउंड्रीला, क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत, चांगली फटकेबाजी आल्या आल्या या ठिकाणी सुमित करतोय, षटकारानं आपलं खातं उघडतोय, आणि त्यानंतर मात्र सिंगल या ठिकाणी जमवत धावसंख्येला आकार देतो, या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचतोय ती टोटल 18 धावा दोन गडी बाद, प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघाची। चांगला चेंडू या ठिकाणी फलंदाजाला चकवतोय स्टंपच्या बाहेर, खूप बिरकी घेतो या ठिकाणी, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, सद्गिरी नाईक आणि त्यांच्या सोबत सर वामन मयेकर आणि दिनेश नाईक ही त्रिमूर्ती जो की पंचांच्या भूमिकेत। लेग कटर चेंडू हलकाच अपील होतोय, आमच्या सोबत स्कोरिंगचं काम करतायत गुण लेखकाचं ते दीप्तेश, दीप्तेशच्या सोबत विकास आणि विकासच्या सोबत सागर हे 3 स्कोरर, आणि कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये सर हरीश काकोडकर, जय भोसले, अजय बाकर आणि मी अशोक नाईक, तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। थोडासा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी उसळी घेतोय, अनियमित बाउन्स त्याला म्हटलं जातं या मैदानात, तो चेंडू या ठिकाणी गोलंदाज सुशांतच्या गोलंदाजीत, आणि फलंदाज थोडासा या ठिकाणी मात्र अडकळतोय फलंदाजीत, बॉलिंग मार्कवर सुशांत आपलं वैयक्तिक दुसरं, आणि तिस्का स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाकडून एकंदरीत तिसरं षटक या ठिकाणी गोलंदाजी टाकतोय, कॉमेंटरी बॉक्स एंडकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट। ओवर पिच चेंडू एक घणाघाती फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला, डीप लॉंग ऑन बाउंड्रीला, क्षेत्ररक्षकाला कुठलीही संधी मिळत नाही, चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी। पंचवीस धावा दोन गडी बाद अशी धावसंख्या, आनंद पाटील पहिल्यांदाच या ठिकाणी मात्र आक्रमक रूप धारण करतोय, एक सुंदर फटका लॉंग ऑन बॉलला,
पुन्हा एकदा सुंदर फटका स्ट्रेट ड्राईव्हचा, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह, लॉंग ऑन बाउंड्रीला चित्ररक्षक, पहिली धाव वेगात त्याही वेगात चित्ररक्षक येतोय, चेंडूची फेक करतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला, आणि एका धावेवर आनंद पाटीलला समाधान मानावं लागत 26 धावावर पोहोचतोय तो साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. दुपारच्या 17 चुरशीचा सामना खास करणं तिस्का स्ट्रायकर्सला काल एक सामना बरोबरीत संपला आणि त्यामुळे थोडस गणित बिघडलं या ठिकाणी या संघादरम्यानच. सुंदर गोलंदाजी, चांगला चेंडू, एक ब्लॉक कॉल मधील फ्लोअर लेंथचा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात सांगत होते. त्याच दरम्यान ते तिसऱ्या षटकाची 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचते 26 लॉस ऑफ 2 विकेट कॉम्पिटिशन आफ्टर 3 ओव्हर्स. 9249 स्कोडा गाडी आणि 7109 अल्टो पात्र मात्स य तुझी गाडी काढ. फाल्यां 26 जानेवारी कार्यक्रमांक लागून माटवाची गाडी येयली असा, तुमचे दोन्ही गाडयो मातशे त्याका त्रास करता. स्कॉडा 9249 पात्रांव मातशी दखल घे आणि अल्टो 7109 मातशे येऊन पात्रांव गाडी काढच्यो. ओव्हर टू यू अशोक नाईक जी. थँक्यू अजय सर, धन्यवाद. 3 षटक समाप्त झालीत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 अशी धावसंख्या, 2 गडी बाद. गोलंदाजीत पुन्हा एकदा येतोय तो आपला दुसरं षटक टाकण्यासाठी प्रदीप गोलंदाज आमच्या समोरून दूरवरनं. पहिला चेंडू, एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चित्ररक्षक, एकेरी धाव 27, 27 अशी धावसंख्या. चांगली फटकेबाजी मैदानात बघायला मिळते, म्हणजे चांगल्या चेंडूवर सिंगल डबल आणि ओव्हर पिच आणि फुल टॉस आणि शॉर्ट पिच चेंडूवर षटकार या ठिकाणी हे दोन फलंदाज या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत आहेत. चांगली गोलंदाजी, पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, लेग ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक चेंडू टप्पा पडतो या ठिकाणी आणि गोलंदाज या ठिकाणी उंच पुरा गोलंदाज प्रदीप आपल्या उंचीचा फायदा मिळवत या ठिकाणी एक अचूक लाईनवर थोडासा बाउन्स चेंडूला त्याला या ठिकाणी मात्र मिळतोय. सुंदर फटका, हवेत चेंडू, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चित्ररक्षक, चेंडूच्या खाली झेल टिपला जातोय आणि सुमितची खेळी या ठिकाणी समाप्त होत तिसरा हादरा बसतोय तो साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघाला. सव्वा 3 गडी बाद अशी धावसंख्या. नवीन फलंदाज हा मैदानात येतोय. अकू टप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका, चेंडू हवेत फाईन लेग बाउंड्रीला, चेंडू सीमा पार डीप फाईन लेग ला या ठिकाणी 6 धावांसाठी षटकारासाठी. पाटीलच्या बॅट मधन एक शॉर्ट पिच चेंडूला एक हुकचा फटका फाईन लेगला आणि 6 धावा 33 सव्वा 3 गडी बाद. ओव्हर पिच चेंडू, पुन्हा एकदा एक टोले जंग फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला, सुंदर प्रयत्न त्या ठिकाणी डीप लॉंग ऑनला, परंतु क्षेत्रकशाच्या डोक्यावरनं चेंडू आरपार षटकारासाठी 6 धावांसाठी. लागोपाठ 2 मोठे फटके आनंद पाटीलच्या बॅट मधनं. धावसंख्या वेगानं वाढते या ठिकाणी 39-39 लॉस ऑफ 3 विकेट. फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर फिल्डिंग या ठिकाणी, चांगलं चित्ररक्षण आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज प्रदीपचं. यावेळी मात्र धाव काही मिळत नाही. धावसंख्या 39, 3 गडी बाद प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक करल्यानंतर आणि सांगत होते त्याच दरम्यान ती 4th षटकाची 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय आणि अजूनही 3 षटक म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी या पहिल्या इनिंग मधील. पहिला गडी 7 धावावर, त्यानंतर 8 आणि त्यानंतर 27 धावावर या ठिकाणी तिसरा हादरा बसतोय.
से होकर बहारें जब गुजरती हैं या होतच या ठिकाणी सुशांतची दोन षटक, त्यानंतर प्रदीपची दोन षटक आणि पहिला बदल गोलंदाजीत होतो. या ठिकाणी विष्णू आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू, पहिला चेंडू एक कमजोर खराब चेंडू, मिड विकेटला एक उत्तुंग फटका, चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी. सुरुवातीला सामन्यावर पकड तिसका स्ट्रायकरची, परंतु आनंद पाटीलचे दोन षटकार आणि त्यानंतरचा हा षटकार अफटमच्या बाहेर चेंडू, फलंदाज रामदास षटकारानं खातं उघडतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत त्या ठिकाणी. आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते, ती साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघासाठी. धावसंख्या पोहोचते ती 46-46. ऑफस्टंपरचा चेंडू आडव्या बॅटनं टलवायचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतो या ठिकाणी आणि चेंडू निर्धाव जातोय. बाकीचं काम या ठिकाणी दत्तराज उर्फ बाबू गावस हा पूर्ण करतोय, यष्टीरक्षक. फुलटॉस चेंडू या ठिकाणी मिड विकेटला फटका, बघूया क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मिड विकेटला. आणि नक्की अपेक्षा असेल फलंदाजाला षटकाराची, 6 धावांची, परंतु कदाचित अनपेक्षित फुलटॉस चेंडू आल्यामुळे फलंदाज गोंधळतोय. चेंडू बॅटच्या भरपूर वर लागतोय, जेल टिपला जातोय आणि चौथा गडी या ठिकाणी तंबू मध्ये परततोय. ती जोडी जमते अशी वाटत होती, एका मोठ्या भागीदारीकडे वाटचाल मैदानात करताना ही जोडगोळी दिसत होती. ती जोडी फोडण्यात त्या ठिकाणी गोलंदाजाला यश मिळतंय. पहिल्या चेंडूवर षटकार बसल्यानंतर विष्णू स्वतःला सावरतोय, एक गडी बाद करतोय आणि नवीन फलंदाज हा मैदानात या ठिकाणी येतोय. रमेश हा नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. बघूया चेंडू विकेट किपरच्या मागे अपेल होतोय, पंच बोट वर करतायत आणि या ठिकाणी आणखी एक हादरा बसतो या संघाला, म्हणजे पाचवा गडी तंबू मध्ये परततोय. धावसंख्या 46, 5 गडी बाद अशी धावफलकावर. लागोपाठ 2 गडी बाद होत आहेत. ऑन हॅट्रिक गोलंदाज विष्णू आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आडवे बॅटने एक जमिनी लगतचा फटका, स्क्वेअरलेग बाउंड्री वरनं मिड विकेट वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो तुषार विशाल. एक चांगली खेळी, 22 धावांची, आनंदची 3 षटकारांची समाप्त होते आणि 47, 5 गडी बाद अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. भरपूर या ठिकाणी चेंडू या ठिकाणी वळवतोय, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोन्ही प्रकारे या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय तो विष्णू.
शेवटच्या क्षणी या ठिकाणी बोटांची करामत करतो येतो आणि सांगत होते त्या दरम्यान ती या ठिकाणी पाचव्या षटकाची पाच षटकांचा खेळ समाप्त होतो आणि पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर 47वा 5 गडी बाद अशी धावसंख्या साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघाची. पुन्हा एकदा बॅकअप या ठिकाणी मैदानात बघायला मिळते ते तिस्का स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाकडून. खास करून विष्णू दोन गडी बाद करतोय आपल्या एका ओव्हरमध्ये. बॉलिंग मार्कवर सूरज, पहिला चेंडू एक जमिनीलगतचा फटका ऑन साईडला लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सुरुवातीला एक मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करताना दिसत होता साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघ, परंतु त्यानंतर मात्र ब्रेक लावतोय या ठिकाणी विष्णू दोन गडी बाद करत आणि सुरजच्या चेंडूवर पहिली धाव एकेरी पूर्ण होत धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 48-48 अशी धावपलकावर पाच गडी बाद सहावं षटक या ठिकाणी सुरू असताना. ओव्हर पे चेंडू मिस टाइम फटका झेल टेप खाली क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आपल्या पॉलोत्रो मध्ये सुरज झेल टेपतोय आणि सहावा गडी साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघाचा हा तंबू मध्ये परततोय. गोलंदाज येतोय तो या ठिकाणी संगम. त्या स्पर्धेत एक सुंदर झेल संगमने टिपलाय आणि तोच संगम या ठिकाणी मात्र मैदानात येतोय. शेवटचं षटक एका बाजूने दोन तीन मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. साई गणेश क्रिकेट संघाला पहिला चेंडू या ठिकाणी धाव घ्यायचा प्रयत्न होतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत.
लेग बाईचा इशारा होतोय आणि या एकेरी धावेबरोबर धावसंख्या मात्र पोहोचते 53 असा 6 विकेट. या ओव्हरमध्ये एका बाजूला सांगायचं साई गणेशला दोन मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता, दोन तीन मोठ्या फटक्यांची आणि तिसका स्ट्रायकर्सला मात्र या ओव्हरमध्ये कमी धावा द्याव्या लागतील. साई गणेश या ठिकाणी फटकेबाजीसाठी प्रयत्न फलंदाज करतायत, परंतु निर्धाव चेंडू संगमचा अचूक टप्प्यावर, ऑफ स्टंपरचा चेंडू, लेग ब्रेक चेंडू या ठिकाणी, ऑफ साईडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीला एक क्षेत्ररक्षक दिसतो या ठिकाणी बाउंड्री लाईनला झेल टिपण्यासाठी. ओव्हर पिच चेंडू, एक सुंदर घणाघाती फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला, क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमा पार, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. ओव्हर पिच चेंडू आणि या ओव्हर पिच चेंडूला फलंदाज कुठली दया माया दाखवत नाही. विशाल वैयक्तिक 10 धावावर एका षटकाराच्या मदतीने फलंदाजी करतोय. आता मात्र शपल होतो, एक टोले जंगा हो या ठिकाणी, शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, डीप स्क्वेअर लेकला चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. 65 धावा धावपलकावर दोन मोठ्या फटक्यांची जी आवश्यकता होती ते दोन मोठे फटके मात्र विशालच्या बॅट मधनं बघायला मिळत आहेत आणि संगम थोडासा स्लॉक ओव्हर मध्ये भागला ठरतोय. आता मात्र सज्ज होतोय राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन या ठिकाणी, थोडासा चेंडू टाकला होता एक धाव या ठिकाणी, दोन्ही फलंदाज दुसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न, फलंदाज बाद होतोय एक विनाकारण या ठिकाणी प्रयत्न दुसऱ्या धावीचा मैदानात बघायला मिळाला. एक धाव या ठिकाणी मिळते, एक गडी बाद होतोय, परंतु ज्या कामगिरीची अपेक्षा होती संघाकडून, ज्यासाठी पाठवलं होतं ते दोन मोठे षटकार स्लॉक ओव्हर मध्ये टोलवतोय आणि 7 गडी या ठिकाणी तंबू मध्ये परतो येतो साई गणेश क्रिकेट संघाचा. शेवटचा षटक सांगता करणारा चेंडू या ठिकाणी गोलंदाज संगमचा, ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅटला लागतोय, स्लिपच्या दिशेने जातोय, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागत या ओव्हरमध्ये. सांगता होते ती 7 षटकाची म्हणजे पहिल्या डावाची, पहिल्या इनिंगची आणि 7 षटकांचा समाप्त होतोय खेळ. साई गणेश रॉयल क्रिकेट संघ एकंदरीत धावसंख्या 67, टार्गेट 68, 68 रन्सांची आवश्यकता या ठिकाणी, 68 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. 22 धावांची सुंदर खेळी ही आनंद पाटीलची, गोलंदाजी दोन गडी बाद करतोय तो विष्णू आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी सुशांत हा एक गडी बाद करतोय, प्रदीप एक गडी बाद करतोय. संगमच्या शेवटच्या षटकात दोन षटकार या ठिकाणी टोलवले जात आहेत आणि एकंदरीत 67 टार्गेट 68 धावांचं कशा प्रकारे या ठिकाणी तिसका स्ट्रायकर फलंदाजी करतोय हे सांगण्यासाठी आमच्या समोर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येत आहेत आमचे दोन्ही सहकारी हिंदी आणि इंग्रजीतून जय भोसले आणि सर हरीश काकोडकर. मैं किसी और का हूँ फिलहाल.
साई गणेश रॉयल और तिस्का स्ट्राइकर्स के बीच में ये मुकाबला, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और जिसके चलते हुए पहले 6 ओवर तक अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन आखिर के ओवर में एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जी 17 रन की एक लाजवाब ताबड़तोब बल्लेबाजी दीपेश द्वारा और विशाल द्वारा, और जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल, एक चैलेंजिंग टोटल मैदान के बीच में 67 रन जीतने के लिए 68 रनों का लक्ष्य रखा है। यानी कि हमने कल से देखा इस मैदान के ऊपर 70 का एवरेज रहता है और मुकाबले में जो कि पहली इनिंग में तिस्का स्ट्राइकर्स की प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर सरफराज और सूरज, सूरज है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सरफराज और गेंदबाजी के लिए आनंद पाटिल, ये इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित कर दिया है। शायद एक्सेस 125 के ऊपर उनकी नजर रहेगी और 100 के ऊपर का टोटल जो कि बनाया है उन्होंने अब तक। पहली गेंद दूर से खेलना चाह, स्विंग एंड मिस, एक लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज खड़े खड़े खेलना चाहते थे, दूर से खेलना चाह गेंद को यहाँ पर, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रद से, बगैर किसी नुकसान से। शानदार गेंदबाजी, शानदार शुरुआत अपनी गेंदबाजी की करते हुए सूरज फिर एक बार इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, शायद जहां खेलना चाहिए था वहां पर गेंद लगी नहीं बल्ले को, गेंद ने चकमा दिया फिर एक बार, 2 लगातार बिंदी गेंदे। और आनंद पाटिल जो कि एक चतुरस्त्र खिलाड़ी माना जाता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और अपना प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जारी रखता हुआ, कल से शुरुआत की थी इन्होंने, एक अर्धशतक लगाया था, साथ साथ आज भी शानदार बल्लेबाजी की, आज भी बल्लेबाजी में 22 रन बनाए अपने पारी में 3 छक्कों के साथ। सूरज फिर एक बार तैयार बल्लेबाजी के लिए, इस बार अब गेंद का बल्ले के साथ निकली जरूर, सिंगल के साथ खाता खोला, 3 गेंदों के बाद यहाँ पर खाता खोला है, 1 रन बगैर किसी नुकसान पर 68 रनों के जवाब में। ऐसा नहीं कि पहली ओवर से मारना शुरू करें, क्योंकि पिछला मुकाबला आपने देखा साहिल गावकर की शानदार बल्लेबाजी, जो मुकाबला जितना सामने वाली टीम को आवश्यक था उनके हाथ से लगभग वो मैच लेकर आए थे, सुपर स्पार्टन के हाथों से वो मुकाबला खींच कर लेकर आए थे, शानदार बल्लेबाजी साहिल की। और एक मुकाबला आपने देखा हुआ 6 गेंदों में 8 रन भी बनाने काफी मुश्किल हो गए थे, उसी मैदान के ऊपर 6 गेंदों में 22 रन बनाए, यानी कि पता चलता है कि मैच कहां से भी पलटा मार सकता है और यही आपने देखा है। इस बार अच्छी गेंद सम्मान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक विनिंग कार्फिट के साथ तेजी के साथ आए थे खिलाड़ी, लेकिन पहले प्रयास में गेंद को उठा पाते तब तक यहाँ पर रन पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए, अपना अपना खाता खोलते हुए टोटल रन संख्या में बदलाव होता हुआ जो कि 2 रन बगैर किसी नुकसान पर 68 रनों के जवाब में। बल्लेबाजी काफी लंबी है उनके पास, लेकिन खास करके एक अच्छी शुरुआत अगर मिली, फ्लाइंग स्टार्ट मिला तो शायद मैच में मजा आ सकता है, देखना पड़ेगा किस तरह की बल्लेबाजी हो जाती है। इस बार खेलते हैं गैप में लॉन्ग ऑन की दिशा से गेंद सीमा रेखा पर 4 रन के लिए पहला चौका इस पारी का निकलता हुआ। और इस चौके के साथ अब टोटल में बदलाव, टोटल मात्रा आगे बढ़ता हुआ जो कि 6 रन बगैर किसी नुकसान पर, महत्वपूर्ण चौका है, महत्वपूर्ण बाउंड्री इस पावर प्ले के ओवर में लगनी चाहिए थी वो निकली है। अब मात्र ऑफस्टंप से बाहर, शायद खेलना चाहते थे, मौका था, शायद झुके थे, हाथ में लगी थी गेंद, लेकिन जब ऊपर उठने लगे तो गेंद हाथ से फिसली, एक मौका बना, एक जीवन दान। और समाप्त पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। के ऊपर टोटल कुल स्कोर पहुंचा है 68 रनों के जवाब में।
और हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रमेश गेंदबाजी करने के लिए। इस खिलाड़ी ने भी शानदार गेंदबाजी की है और उनके सामने सरफराज जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, एक आक्रामक ढांचे का बल्लेबाज और जिनके ऊपर काफी निर्भर होता है उनका खेमा, वो मात्र मैदान के बीच में सामना करेंगे इस गेंदबाज रमेश की गेंदबाजी का। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। बार ऑफ स्टंप के नजदीक से चली हुई गेंद, जानते हैं अगर लेग स्टंप के ऊपर गेंद डाली जाए तो उसके ऊपर बड़ा शॉट निकलेगा, इसलिए खुद को यहां पर एडजस्ट कर दिया और गेंद बल्लेबाज से काफी दूर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाली थी और जिसके चलते वो प्रयास किया था कवर के ऊपर से खेलने के लिए, गेंद मात्र विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, शायद हाफ चांस था लेकिन ये चांस भाई कन्वर्ट करना था आपको, शायद तैयार नहीं थे इस कैच के लिए, शायद आगे गिरी गेंद और निगाहें थोड़ी सी उनकी दूर थी और जिसके चलते एक सिंगल बना, एक जीवनदान मिला सरफराज को मैं कहूंगा। ये ऐसे कैचेस भाई मैच में ऐसे मैदानों के ऊपर लिए जाते हैं, डाइव लगा लेते तो शायद हाथ में आ जाती गेंद। 1 रन और खाते में जुड़ा, सिंगल के साथ टोटल बदला, टोटल अब पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। शायद अमित अगर वहां पर होते तो बात बन सकती। इस बार हवा में गेंद, क्या कैच का मौका, पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी लेकिन सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन। पहली बार ऐसे प्रीमियर लीग में इतना बड़ा मैन ऑफ द सीरीज के लिए किताब रखा गया है, शायद मेरे ख्याल से जो कि पहला इनाम है उससे भी ज्यादा है इस गाड़ी की कीमत, यानी कि निश्चित रूप से ये भाई सोने पे सुहागा है, इससे ऊपर इसके नाम, इसके ऊपर जिसका नाम लिखेगा वो तो भाई घूमता रहेगा। फुल टच डिलीवरी, इस बार खेल दिया गैप में गेंद लेकिन खिलाड़ी आए मिडान से गेंद को जब तक फील्ड करे थ्रो करे, एक सिंगल और बनता हुआ, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि अब आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पर। 68 रनों के जवाब में सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन वो चौके आसानी से दे रहे हैं, वो मात्र रोकने पड़ेंगे मैच में वापसी करने के लिए। इस बार बड़ा शॉट हवा में खेला है, देखना है क्या लंबाई है, हवा में गेंद जरूर है और लगभग सीमा रेखा के नजदीक कैच को लपक लिया और सरफराज को यहां पर मात्र चलता कर दिया पहले विकेट का पतन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था लेकिन उस स्ट्रोक में लंबाई नहीं थी, ऊंची चली गई गेंद और क्रिकेट में ऊंचाई को नहीं लंबाई को रन मिलते हैं। एक बड़ा विकेट अर्जित कर दिया है रमेश ने अपने टीम के लिए, शायद आसान लगता है इस एंड से चक्का लगाना, बाउंड्री नजदीक है लेकिन साथ साथ गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी मैदान पर, एक ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए, अनुशासित भरी गेंदबाजी। अब तक की बात की जाए यहाँ पर साई गणेश रॉयल टीम की, तो अब तक अपराजित ये टीम इस मैदान के ऊपर अपने जलवे दिखाते हुए, और इस प्रतियोगिता में 2 अर्धशतक लगे हैं वो दोनों लगे हैं इस टीम से, एक अर्धशतक पहला था जो कि आनंद पाटिल ने और साथ साथ उनके नक्शे कदम के ऊपर लगभग 7 छक्कों वाले एक धुआंधार पारी खेली थी अमित नाइक ने इस मैदान के ऊपर कल। इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पर, ये नजाकत भरा स्ट्रोक, बेमिसाल तगड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। दो रन का खेल अब समाप्त होता हुआ और 18 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी भी और 50 रनों की आवश्यकता।
बात की जाए इस मुकाबले की तो पहले गेंदबाजी करते हुए सुशांत ने पहले ओवर में 7 रन दिए थे, वहीं पर आनंद ने 6 रन दिए थे, लेकिन दूसरी ओवर में अगर बात की जाए 10 रन खर्च कर दिए थे और यहां पर दूसरी ओवर में लगभग 11 रन खर्च हो चुके हैं और 12 रन खर्च हो चुके हैं, तो टोटल 18 रन दो ओवर पावर प्ले का समाप्त होने तक, 17 रन थे जब थे पहली बल्लेबाजी कर रही थी रॉयल गणेश के, 18 रन है स्कोरबोर्ड पर जब उसका जवाब देती हुई यहां पर तिस्क स्ट्राइकर्स टीम की। नहीं, बल्लेबाज सुशांत मैदान के अंदर और गेंदबाज आनंद पाटिल, रामदास जो कि गेंदबाज के लिए, अच्छे गेंद हल्के दृष्टि कर दिया पॉइंट और गली के बीच में से, पॉइंट वाले खिलाड़ी ने गेंद को जब तक फील्ड कर दिया सिंगल के साथ छोर बदलते हुए टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा जो कि 19 रन स्कोरबोर्ड पर। मैच में निश्चित रूप से आखिरी ओवर तक जाने की संभावना है, लेकिन तब तक देखना पड़ेगा क्या होता है बीच में, यहाँ पर कौन सी नाट्यमय घटनाएं घटती है और जिसके चलते हुए मैच में और एक रंगीन नजारा देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल खाती हुई, बल्ला नीचे से गेंद ऊपर से और एक बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। अच्छी गेंदबाजी इस युवा गेंदबाज द्वारा अपने टीम की अहमियत को देखते हुए गेंदबाजी कर रहे मैदान पर और फिर एक बार बल्लेबाज तैयार। सूराजी फिर एक बार चूके, फिर एक बार बिंदी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज की परीक्षा लेने वाली ये गेंदबाजी, यानी कि बल्लेबाज कहाँ खेलना चाहते हैं उनसे दो गेंदबाजी कर रहे हैं और यही गेंदबाज की अच्छी निशानी मानी जाती है, अच्छी गेंदबाज की यही निशानी है बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली गेंदबाजी। आगे निकले थे खेलने के लिए, फिर एक बार बिंदी गेंद, लगातार 3 गेंदे बिंदी गेंदबाजी, शायद सूरज मात्र अब थोड़े से चिंतित नजर आते हैं क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसा है ज्यादातर डॉट गेंदे खेलता नहीं है, लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार गेंदबाजी। स्कोर रुका हुआ वहीं पर, इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, इस बार भी चूके, शायद देखता है अंपायर का इशारा जब तक आ जाए, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल, यानी कि ये भी गेंद बिंदी जाती अगर विकेट कीपर के हाथ में चली जाती, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, 20 रन टोटल अब मात्र स्कोरबोर्ड पर 68 रनों के जवाब में। अब सुशांत स्ट्राइक पर ठीक ठाक गेंदबाज, ये नपातुला ओवर नजर आता हुआ, ये तीसरा ओवर, इस बार खेलना चाहते, यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ट। और टोटल स्कोर मात्र 20 रन, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है और 48 रनों की और आवश्यकता, 24 गेंदे और 48 रन, प्रति ओवर 12 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, क्या होगा इस मुकाबले के दौरान, क्या बल्लेबाजी यहां पर फिर एक बार नजर आएगी। दत्तराज का उस नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए, सूरज और दत्तराज की ये जोड़ी मैदान के बीच में, क्या दत्तराज आज अपना एक कारनामा कर दिखाएंगे इस मैदान के ऊपर, क्या चमत्कार कर पाएंगे गेंदबाज, ये बताने के लिए फिर एक बार ले चलते है हमारे और एक ओनर कमेंटेटर, अंग्रेजी विवरण देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूं हरीश सर को और मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। थैंक यू अजय, इंटरेस्टिंग मैच इन प्रोस्पेक्ट, बोथ द टीम्स आर स्टिल अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट, तिस्क स्ट्राइकर्स 1-2 टाइड 1, व्हेयरएज साई गणेश रॉयल्स वन ऑल 3, दिस इज देयर फोर्थ मैच एंड दे वुड लाइक टू कंटिन्यू to be on the winning note. 68 runs required, 3 overs already bowled, score is 20. Ramesh, Suraj still not getting the right feel of the bat, is not
playing it straight. He's trying to cross bat it. So still a big task ahead of these two players. Important wicket of Sarfraz is back. He didn't score much. If he had scored some 15-20 runs, things would have been much better here for Tisk. This is Babu's style of batting. This is how he plays his innings in yesterday's match. He was slow and steady, taking singles and doubles. And then later on, he managed to get those sixes and boundaries. He gets set, sees the ball, what the ball and the bowler is doing. Once again, big appeal, chance of a run out. And Suraj is struggling at this stage. He wants to get at the non-striker's end. He's not getting anything of the mid of the bat. And Babu is coming down the ground to have a word with him. What is happening? He's trying to play across. He's trying to play across for a ball which is not there. He's better off playing straight than playing across. So many dot balls in the innings so far. And batting looks to be not clicking at this stage for the strikers. 14 balls and 17 runs so far for Suraj. Once again, and he's out, clean bowled. And if he was not out also, then he would have gone outside because he had made his intentions that he is not connecting the ball. So it's better to go outside and give some other chance. It's stumped. Spotify. New batsman Sangam, lot of runs still to get here for this team. 46 more runs. 68 was not a big target, but it is made difficult by Sai Ganesh Royal's bowling skills. Ramesh getting his second wicket in the second over. Sangam on strike. Oh, this is a massive shot. This is going out of the park, out of the ground, and six after a long, long time. It was a similar ball that was bowled to Suraj, but Suraj was missing all ends together. But Sangam is not the one to miss out. Perfect Sangam with the bat, and ball goes for six. Sangam once again ready to face Ramesh. Score moves on to 28 now. 40 more runs required. Once again, this time it's a better line. He corrected his line. Previous was a straighter ball towards the wicket, and this time he changed it. Shot of good length, just wide outside of stump, which makes life difficult for the batsman. Only a single after completion of four. The score is 29 for the Anand has bowled just one over. Two overs have been bowled by Ramesh, one by Ramda. So Anand's one over is still left. And Anand now has come on to bowl. Very good outfit, Sai Ganesh Royals. Sangam will be on strike. 39 runs required of three overs. So 13 runs per over. Not going to be easy for Tisk strikers.
Very good bowling here. This is definitely not wide because the batsman was coming across on the offside and trying to use that crease. Very good umpiring skills here from Vaman. This is a very good shot in the air and oh, finally stopped the ball inside the fence. Anand, although he missed in the first attempt, but he was well aware of the boundary line and stops it going for four runs. Score moves on to 31. Oh, this is a good shot. And finally a six. He didn't time it that well as he would have liked, but finally he gets enough half of the bat and goes for a six. Slowly and steadily coming back into the match, Tisca Strikers, thanks to wonderful batting skills here from Sangam. So far, 15 runs have been scored individually by Sangam. This is a good ball right in the block hole. Nothing much you can do. Very good piece of fielding here. And just a single given away. With this single, score moves on to 38. 68 is the target. So 30 more runs required of 14 balls. And this is in the air and taken. Babu back in the pavilion, trying to go for a big heave on the leg side. Very good catch taken by the keeper. So one more wicket down. Fourth wicket catch taken by the keeper. And one ball remaining in the fifth over. Next match will be played between Gurunath Young Dynamites and Bhumika Warriors. Bhumika won the toss and deciding to field first. Meanwhile, concentration back to this match. Sangam at the non-striker's end, Sachin Tokale. Very good piece of bowling here from Anand. Finally, a good over comes to an end. Apart from that six, after completion of 5 overs, the score is 30. And 30 more runs required of 12 balls. 30 more runs required of 12 balls. 68 to win. So 15 runs per over. 15 in this 2 over. So somebody from these two, either Sachin Tokale or Sangam, has to be Sahil Gaonkar. Sahil, we saw, scored more than 30 runs in the last 2 overs. 22 in the last over itself. And was adjudged the man of the match. So somebody has to play a match-winning knock over here from Sangam and Sachin, and Tisca Strikers will be through. Should be a wide ball. We have to wait for umpire's decision. Wide it is. Trying to bowl towards the body line. Bowl a bouncer towards the ribs of the batsman and not giving
the free zone to swing the bat. But instead, in return, gives a wide. Once again, Anand Reddy, 29 runs required of 12 balls. This match is going to be an interesting one. It's a good shot, but can get only a single. These things won't hurt Royals at this stage. Very good thinking here from Captain Anand Patil. He has bowled first over very economically, gave just 6 runs away, and that is why he has kept one over in this 6th over to be bowled in his innings. Penultimate over of the innings to be bowled by Sai Ganesh Royals, adjusting his field. 28 runs required now of 11 balls, and this time they go for a single. Wonderful running here for Samgaon. He was very aware of the situations. Wide ball, 2 runs taken. This is poor piece of bowling here from Anand. Just one delivery has been bowled so far from Anand, and 4 runs have been taken out of this 3 extras. This is very good bowling, and once again, this is very quick running between the wickets. Very much required. Each and every single is required at this stage. They are chasing 68 runs at this stage. They are 43. So 25 more runs required. 5 runs have come of the first 2 balls in this over of Anand. 4 balls remaining. Just 1-6 can change the complexion of this match. Will Anand bowl a loose ball? This time, swung of the bat towards the square leg region. Slide to misfield, and they go for the second run. Completed comfortably. Too much of fumble there by the fielder in the square leg region. Gives a comfortable chance for the batsman to go for the 2. They are putting the pressure on all the fielders. They have to be alert. They have to be on the toes. Score moves on to 45 now. 23 runs required of 9 balls. 23 of 9. Anand getting ready once again. This time a dot ball, trying to play a forceful shot there. Sachin Tokale not getting a hang. In the first 3 matches or 2 matches, he came up the order. And now he has been kept lower down. They need a 4 or a 6 from somewhere. 2 balls remaining in this over. 23 required of 8 balls. So far, so good. Apart from those 2 wides and byes given away, Anand has bowled a magnificent line and length. He will continue to do so. Oh, massive shot! One shot ball, and that is that from the bat of Sachin Tokale. This is a catch in the air, and he takes it easily. Very, very important catch at this stage. If he had dropped that catch, then they could have gone for 2 runs. So after completion of 6 overs, the score is 51. 17 runs required of the last over. And Sangam will be at the non-striker's end. We have to wait and watch whether Sangam will be at non-striker's end or striker's end.
Now the man who bowled a very good over in the last match for Sai Ganesh Royals is back with the ball in his hand, and on strike will be Suresh. If Sangam was on strike, it would have been better for Tisca strikers. Oh, that's a good shot, but not timed it well that he would have liked. Man of the match in the previous match, Suresh is on the ground, but Sangam is striking it beautifully. Better batsman amongst these two at this stage with a bat in his hand. 16 runs required of 5 balls. 1-6 in at least the next 2 balls is very much required, very much crucial for the fortunes of Tisca strikers in this match. That's a good shot in the air and takes it. Ramdas doesn't commit any mistake. Simple and effective. And big breakthrough here for Sai Ganesh Royals. Sangam back in the pavilion. Shot for 6 runs from the bat of Pradeep. Fifty-eight. 10 runs required from 3 balls. 10 of 3. Oh, and dot ball, 10 from 2 now. 10 from 2. Pradeep on strike. Oh, massive. That's a biggie from the bat of Pradeep. Longest 6 of the tournament, undoubtedly. Wow. This is cricket. The ball directly landed in Sadgiri's house. So today Sadgiri will not have batata bhaji, he will have ball bhaji. Massive shot. 1 ball, 4 runs. Pradeep on strike. Oh, he missed it. Once again, Vishal will be the hero. They are running for... Finally, somebody has cool head, and Sai Ganesh Royal wins by 1 run. What a match. Interesting and good match was going on, but Sai Ganesh Royals managed to win it in the end. Very well played, Tisca strikers.